हेलो गाइस, आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल टारगेटेड इन फैंटेसी पर। इस वीडियो में आप देखने वाले हैं इंडियन वियना वर्सेस डोनर्स टिड, ये दोनों टीम्स के बीच जो ईसीएस टिड एंड ऑस्ट्रिया का फिफ्थ एंड सिक्स मैच खेला जाने वाला है उसके मैच प्रीव्यू, स्टैट्स, एनालिसिस। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ, देखिए अगर आपको फाइनल टीम्स चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा। तो आप टेलीग्राम पर जाकर टारगेट फैंटेसी के सर्च कीजिए और वहाँ पर आपको 1.5 के प्लस जो चैनल मिलेगी वो चैनल आपको ज्वाइन बटन पर क्लिक करके ज्वाइन कर लेना है। साथ ही साथ आपको लिंक चाहिए तो लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन पर मिलेगी, तो आपको वहाँ पर लिंक पर क्लिक करना है, आप डायरेक्टली हमारे चैनल पर ज्वाइन कर सकते हो। तो अगर देर किस बात की, अभी कभी आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। मैच की बात करें, देखिए कल जो दो मैच है, एक है दोपहर 12 बजे, दूसरा है दोपहर 2 बजे, सीबान क्रिकेट ग्राउंड सीबान ऑस्ट्रेलिया प्रीमियर लीग का सारे मैचेस होगा। हल्की सी यहाँ पर बारिश की चांसेस है। पिच रिपोर्ट की बात करें, देखिए बैटिंग और बॉलिंग फ्रेंडली पिच रहने वाला है। एवरेज स्कोर यहाँ पर बनते हैं 97। लास्ट पांच मैच की बात करें, देखिए आईएनबी ने 5 मैच खेल के 1 मैच जीते, डीएन ने 5 मैच खेल के 4 मैच जीते। और हेड टू रिकॉर्ड्स के बारे में बात करें, देखिए अभी तक जो लास्ट सीजन खेल गया था वहाँ पर 5 बार ये दोनों टीम सामने सामने हुए हैं और आईएनबी जीते 5 में 1 बार और डीएन ने जीते 5 में 4 बार। तो यहाँ पर आपको डीएन को फेवरेट मानते हुए टीम बनाना चाहिए। इस सीजन का यहाँ पर वेरिएबल्स की बात कर लेते हैं, 4 मैच टोटल खेला गया है जिनमें से 2 मैच बैटिंग फास्ट करने वाली टीम ने जीते और 2 मैच बैटिंग सेकंड करने वाली टीम ने जीते। तो यहाँ पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा टॉस के ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए, आपको बेसिकली यहाँ पर प्लेयर परफॉर्मेंस के ऊपर बेस करके टीम बनाना चाहिए। आज की मैच प्रेडिक्शन के बारे में बात करें, आईएनबी की जीतने की चांसेस है 35% और डीएनए की जीतने की चांसेस है यहाँ पर 65%। तो अब हम देखेंगे दोनों टीम के प्रॉब्लम पेइंग से विद बैटिंग ऑर्डर, साथ में रिसेंट परफॉर्मेंस कैसा है वो हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं, आईएनबी की तरफ से बात करते हैं। देखिए यहाँ पर रंजीत सिंह ओपनिंग कर सकते हैं इकबाल हुसैन के साथ। रंजीत सिंह ने लास्ट मैच पर 25 रन बनाए थे और इकबाल हुसैन ने 34 और 7 रन किए। कुणाल जोशी 12 2 रन, साथ में विकेटलेस गए, 2 ओवर बॉलिंग डाल के कैप्टनसी कर रहे हैं अपनी टीम के लिए। गिल शमशेर नंबर 4 पर आते हैं, 19 रन, उसके साथ 3 विकेट और 1 विकेट निकाला, ये भी आपके लिए बहुत अच्छे पिक्स रहने वाला है। देखिए 4 नंबर पर बैटिंग करेंगे, साथ में पर 2 ओवर बॉलिंग करने के चांसेस है, तो इसलिए ये आपके लिए कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी के लिए भी अच्छी चॉइस बन सकते हैं। नंबर 5 की बात करें, देखिए मेहर चीमा आएंगे, विकेट कीपिंग ऑप्शन पर आपको मिल जाएगी, 2 मैच में 16 रन 17 रन। आहमद गन की बात करें, नंबर 6 पर बैटिंग करेंगे, बेसिकली एक बॉलिंग ऑलराउंडर है, तो इसकी बात करें 3 विकेट और 1 विकेट निकाला लास्ट मैच पर, यहाँ पर रन नहीं बना पाए। नंबर 7 की बात करें, इकबाल सिंह 1 रन 14 रन, उसके साथ विकेट लेस गए, 2 ओवर बॉलिंग डाल के। दाऊद यादव की बात करें, देखिए यहाँ पर 23 रन 10 रन, साथ में यहाँ पर 2 ओवर बॉलिंग करे और 1 विकेट निकाला एक मैच पर। सुमेर शेरगिल विकेट लेस गए, खिताब उमारी 0 विकेट 3 विकेट, अमनदीप छबड़ा 4 रन बनाया। तो अब हम देखेंगे कौन कौन से प्लेयर आईएनबी की तरफ से आपके लिए मस्ट पिक रहने वाला है, रंजीत सिंह, इकबाल हुसैन और गिल शमशेर, मेहर चीमा 4 हो गए, अहमद गानी, दाऊद जादरन और उसके साथ रहेंगे यहाँ पर देखिए खिताब उमारी। तो ये प्लेयर में से आपको 4, 5, 6 जितने चॉइस चाहिए आपके आपके स्मॉल की टीम पर रख सकते हो। अभी हम दूसरी टीम के बारे में बात करेंगे, देखिए डीएनए की तरफ से देखिए अहमद नाबेद विकेट कीपिंग ऑप्शन पर आपको मिलेगी, साकिब मोहम्मद के साथ ओपनिंग कर सकते हैं। अहमद नाबेद 2 2 5 54 रन बना है, लास्ट जो 4 मैच खेल के आ रहा है। सदिक मोहम्मद 89 3 23 9 और 1, उबैदुल्ला उमारी 3 5 24 1 0, नंबर 3 पर बैटिंग करने आएंगे, आपके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन बन सकते हैं। अमन अहमद जई 9 33 3 4, आहमद नाबेद 2 2 5 54, अब्दुल रहमान की बात करें नंबर 6 पर बैटिंग करेंगे और बेसिकली एक बॉलिंग ऑलराउंडर है, देखिए 5 मैच खेल के 2 विकेट निकाला। मोहम्मद शफी ने 25 31 8 35 13 और लास्ट जो 5 मैच खेले वहाँ पर 5 विकेट निकाला, आपके लिए बहुत ही अच्छे ऑप्शन बन सकता है। 2 ओवर बॉलिंग भी कर सकता है और अब्दुल रहमान भी यहाँ पर 2 ओवर बॉलिंग कर सकता है। राजमल सिग्वाल देखिए 0 30 39 8 5, तो बैटिंग में थोड़ा सा अच्छे कर लेते हैं लेकिन अगर बॉलिंग भी मिले तो ये वहाँ पर भी अच्छे कर सकते हैं। ईशक सफी की बात कर लेते हैं, देखिए 1 रन 6 रन, उसके साथ 0 विकेट 0 विकेट 0 विकेट 1 विकेट 1 विकेट, 5 मैच खेल के 2 विकेट निकाला। इतिवर्षा यहाँ पर दीदार लास्ट 5 मैच खेले और वहाँ पर 0 1 0 0 0, मतलब टोटल 5 मैच खेल के 1 विकेट निकाला, तो ये आपके लिए उतना अच्छा ऑप्शन नहीं रहने वाला है क्योंकि देखिए रिसेंट फॉर्म्स उतना अच्छा नहीं रहे। साहिल जादरान 0 0 1 0 0, तो ये भी 5 मैच खेल के सिर्फ 1 ही विकेट निकाल पाए, तो आपके लिए ये उतना अच्छा नहीं रहने वाला है।
अगर इनको इस मैच पर दो ओवर बॉलिंग मिले तभी जाकर अच्छा कर सकता है, या तो इनको ड्रॉप कर सकते हो। अभी आप देखेंगे डीएनए की तरफ से कौन कौन से प्लेयर आपके लिए स्मॉल विकेट टीम पर अच्छे पिक्स रह सकते हैं। अहमद नबीद, साकिब मोहम्मद, अहमद जाई, उसके साथ देखिए मोहम्मद शफी, राजमल सिग्वाल और इशक शफी। तो यहाँ पर ये छः प्लेयर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अब हम देखेंगे देखिए स्मॉलिंग पर जो कैप्टनसी और वाइस कैप्टन की चॉइस रहने वाला है, डिफॉल्ट कैप्टनसी और वाइस कैप्टन की चॉइस इकबाल हुसैन है, गिल शमशेर है, अहमद घानी है, दाऊद जदरन है। तो ये चार प्लेयर में से आपको किसी दो के साथ कैप्टनसी और वाइस कैप्टन चॉइस पर जाना पड़ेगा, आपके लिए बहुत ही अच्छी चॉइस रहने वाला है। अब हम देखेंगे ग्रैंड लीग के चॉइसेस कैसा है। देखिए खिताब उमारी है, इकबाल सिंह है, इशक शफी है, अमन अहमद जी है और वाली खान है। तो ये पांच प्लेयर्स को आपके इस मॉलिक की टीम पर तो रखना ही है, साथ में यहाँ पर ग्रैंड लीग में भी आप ले सकते हो। साथ में आप चाहे तो दो से तीन प्लेयर्स को लेकर ग्रैंड लीग पर डिफरेंशियल पिक्स में हर एक टीम पर रोटेशन कर सकते हो, नहीं तो आप इनको ग्रैंड लीग में भी कैप्टनर और वाइस कैप्टन के साथ जा सकते हो। आपके लिए बहुत ही अच्छे पिक्स रहने वाला है। तो गाइस ये रहेगा प्लेयर स्टार्स ऑन लिस्ट के बाद अभी चलते हैं डीमो की तरफ। वहाँ पर हमने एक मॉलिक का डेमो टीम बनाकर आपको दिखाएंगे, लेकिन वो टीम सिर्फ और सिर्फ डेमो टीम रहने वाला है। फाइनल में आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन पर मिलेगी। तो आप डिस्क्रिप्शन पर चले जाइए, वहाँ पर आपको लिंक पर क्लिक करना है, आप डायरेक्ट हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। तो कई देर किस बात की, फाइनल स्मॉल लीग ग्रैंड लीग टीम्स के लिए अभी का भी आप हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। अभी मैच की बात करें, सॉरी यहाँ पर फाइनल स्मॉल लीग की टीम नहीं डेमो टीम की बात करें, तो गाइस यहाँ पर विकेट कीपरिंग सेक्शन पर आपके लिए जो सबसे सेफ होगा वो है एम चीमा, बाकी यहाँ पर ए नावेद और जे अब्राहम खेल, इन दोनों में से किसी को आप ट्राई कर सकते हो अगर खेले तो। देखिए बैटिंग सेक्शन की बात करें, एस मोहम्मद, डब्ल्यू खान, आई हुसैन और उसके साथ रहने वाले और एक सेफ ऑप्शन जो है आर सिंह। अभी ऑलराउंडर सेक्शन की तरफ से बात करते हैं, ए अहमद जई, एम शफी और के जोशी, तीन टॉप चॉइसेस हमारे टीम पर रहने वाले हैं। बॉलिंग सेक्शन की बात करें, के अमारी, ए घानी और उसके साथ आई शफी हमारे टीम पर सेफ चॉइसेस पर रहने वाले हैं। अभी कैप्टन सर वाइस कैप्टन के बारे में बात करें, हमारे टीम का जो सेफ कैप्टन है वो है, अभी पर देख सकते हैं देखिए आई हुसैन, उसके साथ सेफ वाइस कैप्टन रहने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने सेफ वाइस कैप्टन के साथ जाएंगे, यहाँ पर के जोशी के साथ फिलहाल ऑन साइड हम जा रहे हैं, लेकिन ये हमारा फाइनल टीम लगी है। फाइनल टीम आपको टॉस के बाद लाइन बनाने के बाद टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो यहाँ पर आपको सेव करके प्रीव्यू दिखूंगा, प्रीव्यू थोड़ा सा ग्रैंड लीग के बारे में डिस्कस कर देंगे। देखिए यहाँ पर विकेट कीपरिंग सेक्शन पर है एम चीमा, बैटिंग पर है आई हुसैन, एस मोहम्मद, आर सिंह और डब्ल्यू खान, ये चार प्लेयर्स। ऑलराउंडर सेक्शन की तरफ से है के जोशी, ए अहमद जई, एम शफी, तीन प्लेयर्स आने वाले हैं ऑलराउंडर सेक्शन पर। बॉलिंग की बात करें, देखिए ए घानी, आई शफी और के अमारी और हमारी टीम का सेफ कैप्टन है आई हुसैन और सेफ वाइस कैप्टन यहाँ पर के जोशी। और ग्रैंड लीग पर आप कौन कौन से प्लेयर को ट्राई कर सकते हो एक बार देख लीजिए। देखिए एम चीमा है अच्छे ऑप्शन, विकेट कीपरिंग सेक्शन पर आपको भी मिलेंगे। देखिए यहाँ पर इसके स्टैंपिंग कैचिंग के साथ साथ बैटिंग में भी टू डाउन या थ्री डाउन आ सकते हैं, तो वहाँ पर अच्छे पॉइंट्स दे सकते हैं आपको। एस मोहम्मद, आर सिंह, अहमद जई, एम शफी और ए घानी, तो ये छः प्लेयर्स के साथ आप बिल्कुल ग्रैंड लीग पर एज कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हो रिस्क की टीम के साथ। तो गाइस ये आपके लिए स्मॉल लीग का डेमो टीम फाइनल टीम आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगी। तो गाइस देर किस बात की, अभी के अभी स्मॉल लीग ग्रैंड लीग टीम्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। और साथ में अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हो तो यहाँ पर सबके साथ साथ बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि आने वाले सारे वीडियो सब तक पहले मिल जाए। और एक अच्छा सा टीम बनाए, अच्छा सा विनिंग कीजिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।